शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे लेट सॉरी एंड दिस इज फॉर यू थैंक यू क्या करूं ससुराल वाले सबका मुंह देख के चलना पड़ता है ओह माय गॉड वैशु यू आर चेंज्ड हाँ लेकिन तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई वही सरप्राइज पार्टीज हाँ कम सी कौन कौन आए हमारे सारे फ्रेंड्स वाह इनसे बातें कर मैं आती हूँ ओके मंजू कैसी है मैं ठीक हूँ और बिना तू वैशु हाँ कम एक मिनट हाँ गर्ल्स यू कैरी ऑन हम अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं दिस इज फॉर यू थैंक यू और बताओ तुम्हारी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है बहुत अच्छी फैंटास्टिक ग्रेट पर हाँ हमारे जीजाजी क्या करते हैं आई मीन तुम्हें प्यार करने के सिवाय और क्या करते हैं क्या बताऊं इसे कि मेरा पति दुकान में बैठकर साड़ियां बेचता है ये सब छोड़ संध्या और तू बता तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की कहाँ यार हम तो वही मजदूरी करते हैं आजकल एक बलेचा कंस्ट्रक्शन में मैं जीएम की पोस्ट पे बलेचा कंस्ट्रक्शंस या वहां तो अंबर भी काम करता है ना अंबर संध्या मीट मिस्टर अंबर शास्त्री हाय मिस्टर अंबर अंबर शास्त्री हाँ तू कैसे जानती है उसे भी नहीं लग रहा ये वैशु चली कहां गई है कम से कम इसे इसे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कितनी केयरलेस हो गई है ये और अब ये कहीं कहीं ये फिर से कोई कोई नई साजिश तो नहीं कर रही है नियति और अंबर के खिलाफ हे भगवान भगवान इसे सद्बुद्धि दे क्या वैशु दिस इज वेरी बैड हाँ ऋषि ऋषि खाना लग गया चलकर खा लो जी भाभी भाभी एक मिनट अब वो क्या है भाभी मुझे आपसे बात पूछनी थी हाँ पूछो ये भाभी वैशु कहाँ है मैं मतलब कब से ट्राई कर रहा हूँ कब से मतलब बिना इन्फॉर्म किए कहाँ ऋषि वैशु अपनी पुरानी सहेली से मिलने गई है और मुझे कहकर गई कि वो लेट हो जाएगी आने में और ये भी बोलकर गई है कि मैं तुम्हें खाना खिला दूँ चलो चलकर खा लो जी भाभी आप चलिए मैं चेंज करके आता हूँ ठीक है अब ये कौन सी पुरानी सहेली निकल आई वैशु की पता है तुझे आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से संध्या मैं सच बोल रही हूँ लाइफ में तेरे जैसी फ्रेंड बड़ी किस्मत से मिलती है मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की होती ना तो शायद मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एब्रॉड भी नहीं जा पाती संध्या छोड़ो ना इस बात को प्लीज नहीं आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की होती तो आज ज्यादा से ज्यादा मैं क्या किसी क्लर्क की पोस्ट पे काम कर रही होती बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है एंड आई विश तू हमेशा खुश रहे तेरे सारे सपने हमेशा पूरे हो जाए सारे सपने
यहाँ तो मेरा एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। हाँ संध्या, तू जैसा सोच रही है ना, मुझे लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं मिला। वैशु, रुक। अब तक जाग रहे हो? तुम भी तो जाग रही हो। मैं तो तुम्हें याद कर रही थी। तो फिर फोन क्यों नहीं किया? करने ही वाली थी बाबा, लेकिन तुम्हारा फोन आ गया। खैर ये बताओ कि पूरा दिन वहां पर क्या करती हो? बोर नहीं होती? बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। सेवा कार्य में पूरा दिन निकल जाता है हमको। सच अंबर, मम्मी जी के साथ यहाँ आने के बाद ही पता चला कि दूसरों की सेवा करने का अलग ही आनंद होता है। हाँ आनंद तो जरूर है, लेकिन तुम्हारे बिना यहाँ पर अकेले जीने में कोई आनंद नहीं। बस थोड़े दिनों की तो बात है अंबर, और यह हम अपने आने वाले के लिए तो कर रहे हैं। सच बोलो अंबर, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। नीति प्लीज तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। तुम्हारी और हमारे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, मैं हमारे बच्चे पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम हो इसलिए तो मैं सब कुछ कर पा रही हूँ अंबर। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। चलो अब सो जाओ, प्रेगनेंसी में अपने आप को थकाना अच्छा नहीं होता। ओके बाबा, सो रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट एंड आई लव यू। लव यू टू। तेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया वैशु, और तूने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। कभी कुछ नहीं कहा मुझसे। तू क्या कहती? हाँ कि किस्मत से हार मानकर मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। कम ऑन वैशु, तू ऐसा अपने साथ कैसे कर सकती है? But I will not take it. तू हार मान सकती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी, ना अपने लिए और ना अपनों के लिए। तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तेरे उस देवर की वाइफ नियति ने तेरे हस्बैंड की शॉप जला दी, तुझे किडनैप कराकर मारने की कोशिश की, और तू चुपचाप बैठी है। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। अंबर इस वक्त मेरे अंडर काम कर रहा है, वो मेरा सबऑर्डिनेट है और मैं उसकी बॉस। अब तू देख कि मैं तेरा कैसा बदला लेती हूँ। लेकिन संध्या, तू कर भी क्या सकती है? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ वैशु। मैं तेरे उस देवर अंबर और उसकी वाइफ की लाइफ को बर्बाद कर सकती हूँ। तेरी जिंदगी में आज तक जो कुछ हुआ है ना, अब उससे कहीं ज्यादा उनकी जिंदगी में हुआ। You just wait and watch. तेरे एक एक दुख का बदला अब मैं लूंगी। संध्या, तू अब तक कहाँ थी मेरी फ्रेंड? तेरी जैसी फ्रेंड के होते हुए अब मुझे कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। होना भी नहीं चाहिए। तूने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, और अब मेरी बारी है। इसे कहते हैं अंधा विश्वास, जो ये संध्या मुझ पर कर रही है। इसके लिए तो वही सच है जो मैं कह रही हूं। अब मेरी लड़ाई ये लड़ेगी, और जोर शोर से लड़ेगी।
क्योंकि इस बेवकूफ को ये गलत फहमी है कि इसके अब्रॉड जाने में जो हेल्प की थी वो मैंने की थी। अरे देखो ये कोई वक्त होता है घर आने का? टाइम देखो क्या हुआ है। और बाय द वे तुम अब तक ठीक हाँ? हाँ जवाब दो, बोलो। धीरे बोलो, चिल्लाओ मत, समझे? मैं क्यों दूर? ऋषि गुड नाइट भाभी। मेरी बात तो सुनना, ये बात गलत होती है। देखो अरे क्या भाई? ऋषि मुझे इस वक्त बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी लेकिन कल, अभी मैं सो रही हूँ। कल अभी मैं सो रही हूँ? वैशु, ए वैशु, वैशु देख ये बात गलत होती है। हाँ मेरी नींदें उड़ाकर खुद चैन से नींद ले रही हो, बहुत गलत बात होती है। वैशु प्लीज मुझे बताओ ना, तुम अपनी कौन सी सहेली के घर गई थी? बताओ ना वैशु। वैशु मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई। प्लीज वैशु बताओ ना, टेल ना प्लीज। ए जेलस? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे मैं अपनी फ्रेंड संध्या के पास गई थी। चुप, कौन संध्या? मेरी फ्रेंड जो यूएसए पढ़ने गई थी और वहां से पढ़ के नागपुर वापस आ गई है, उसी से मिलने गई थी। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ अगर मैं तुम्हें पहले बताती तो तुम्हारा ये जलो भुनो प्योरा प्योरा एक्सप्रेशन कैसे दिखती है ना। और अब काम की बात सुनो, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड संध्या है ना, हाँ? पता है वो कहाँ काम करती है? कहाँ? अंबर भैया के ऑफिस में, जीएम की पोस्ट पर। अंबर भैया की बॉस है। सका तो आज ऑफिस से जल्दी निकलूंगा और माँ और नियति से मिलता हुआ। हो सका नहीं, मिलकर ही आना, नियति को अच्छा लगेगा। ठीक है। अरे अंबर मुबारक हो भाई। पूछेगा नहीं मुबारकबाद क्यों दे रहा हूं? बताइए तेरे ऑफिस में जो नई जीएम आई है ना, पता भी है वो कौन है? तेरी वैशु भाभी की बहुत अच्छी सहेली है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है वो लोग। अच्छा हाँ भाई। अच्छा मतलब वैशु ने उसकी कई बार मदद की है, मतलब वो भी ऐसी लड़की है जो एहसान मानती है। सुन ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो ना, तुझे चिंता मत करना, सीधे अपने बड़े भाई के पास आ जाना या फिर वैशु भाभी को जाकर बोलना, क्यों चुटकी में ठीक कर देंगी। ठीक है भैया। और हाँ तेरा बड़ा भाई हूं, आखिर काम कब आऊंगा? नहीं भाभी वैशु, वैशु आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही ज्यादा खुश। वैशु आज मैंने एक एक बड़े भाई की तरह अपने छोटे भाई को विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। पता है ये किसकी वजह से हुआ है? तुम्हारी वजह से वैशु। हाँ वैशु, क्योंकि तुम्हारी सहेली अंबर की बॉस जो है तुम्हारी बस। इसीलिए मुझे तुम्हें कुछ भी बताना अच्छा नहीं लगता। वैशु अब मैंने क्या कर दिया, क्या कह दिया मैंने? अगर मैं तुमसे अपनी कोई भी बात शेयर करती हूँ, तुम जाकर दूसरों से क्यों बोल देते हो वो बात? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है ऋषि,
कि इस घर में हमारे बारे में कोई भी भला नहीं सोचता है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी अंबर भैया से संध्या के बारे में मुंह फाड़ने की? बोला तुम्हारा ये रुतबा बढ़ाने के लिए बोला था मैंने, ताकि घर वालों को पता तो चले कि तुम्हारी पहुंच कितनी दूर तक है, कितनी ऊपर तक है। हाँ लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम ये सुनकर खुश होगी, तुम तो उल्टा मुझ पर नाराज हो रही हो। ऋषि मैं तुम्हें ये बात कैसे समझाऊं? तुमने तो कह दिया कि संध्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? लेकिन एक बात याद रखो कि आजकल दोस्ती भी अपने बराबर की हैसियत वालों से ही होती है। मैं जब उसके घर गई ना और अपनी फ्रेंड से मिली, तब मैंने रियलाइज किया कि वो लोग लाइफ में कितनी आगे बढ़ चुके हैं और मैं कितनी पीछे रह गई हूँ। नहीं नहीं वैशु, ऐसी बात नहीं करते, ऐसी बात सोचते भी नहीं है। हमारे हालात इतने भी बुरे नहीं है, इतने भी बदतर नहीं है। तो कैसी है हमारी हालत अब? बोलो। यहाँ और भगवान के लिए दूसरों के आगे संध्या के नाम का रौब डालना बंद करो अब। और अंबर भैया अगर किसी मुसीबत में फंसते हैं तो तुम मुझे मत बोलना कि मैं जाकर संध्या के आगे गिड़गिड़ाऊं, क्योंकि मेरे ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ मेरा ही सर नीचे होगा। तुम समझ रहे हो ना? वैशु, वैशु, I'm sorry. मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगा। ऋषि देखो, मुझे इतना गुस्सा सिर्फ इसलिए आता है कि तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। मैं किसी और से तो उम्मीद नहीं करती हूँ। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, जाने कहाँ वो किधर गई, इधर गई के इधर गई, अरे रे नहीं मिली। अरे गुड मॉर्निंग बा। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या ढूंढ रहे हो? अरे वो सदानंद कंस्ट्रक्शन की फाइल ढूंढ रहा हूँ, संध्या मैडम ने मंगवाई थी ना। मिली मेरे कहाँ डाली तुमने मालूम नहीं? सदानंद कंस्ट्रक्शन की फाइल? हाँ। अरे वो तो मैं उन्हें दे चुका हूँ। क्या? हाँ, और उसके साथ कई कई सारी फाइल्स दी थी मैंने उन्हें। लेकिन मैडम तो बोली उनको मिली नहीं फाइल वो। ऐसे कैसे हो सकता? अरे मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने पकड़ो उसको, मैं जाके चेक करता हूँ। कमाल है, वाह वाह, बोलता हूँ मैंने दे डाली, मैडम बोलती मेरे को नहीं मिली, तो फाइल का मैंने खा डाली। दबा अपने को ढूंढना तो पड़ेगा इस ना। ये कौन सी है? ये हरियाणा है। संध्या जी, वो सदानंद कंस्ट्रक्शन की फाइल मैंने आपको कल दे दी थी बाकी सारी फाइलों के साथ। मुझे नहीं मिली। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। अंबर वो फाइल यहाँ पर नहीं है, तभी तो मैंने रस्तोगी को तुम्हारे कैबिन में भेजा था। हाँ यहाँ तो नहीं है, मैं वहाँ चेक करता हूँ। तुम रुको, मैं देखती हूँ। मैडम वो फाइल, आई एम सॉरी मैडम, सॉरी। क्या हुआ? लगता है मोच आ गई है। ठीक है, आप यहाँ पर आराम से बैठिए, मैं आपके लिए वो मोच वाला स्प्रे मंगवाता हूँ, उससे आपका दर्द कम हो जाए। मैं अभी आया। दर्द तो बढ़ेगा अंबर, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारा।